स्वागत है आप सभी का करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों ये देखिए लोग आते हैं काम को सीखने के लिए, एसी और फ्रिज वाशिंग मशीन ये सारे कामों को सीखने के लिए। तो इनका जो है कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, फुल्ली प्रैक्टिकल के साथ और थ्योरेटिकल के साथ। और ये एक अच्छे टेक्नीशियन भी बन चुके हैं, थोड़ा सा फील्ड में थोड़ा सा किसी के साथ काम कर लेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे अच्छी तरीके से। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अब इनसे हम मिलवाएंगे और इनसे पूछा जाएगा कैसा लगे यहाँ पर आने के बाद, काम को सीख पाए नहीं सीख पाए, क्या सिस्टम है आने के बाद यहाँ पे, रूम का क्या सिस्टम है, रह पाएंगे सही से, मतलब कि सारी चीज़ें मिल जा रही है कि नहीं मिल जा रही है, जो चीज़ कही जा रही है वो सारी चीज़ें मिल जा रही है कि नहीं मिल जा रही है, ये सारी चीज़ें इनसे हम खुद ही सुनेंगे। चलिए थोड़ा सा बताइए। हेलो भाई, कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं MP से आया हूँ सर। MP से? यस सर। MP से कहाँ से? MP धार डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। यहाँ पर आने के बाद सर बताइए, यहाँ पर आने के बाद मेरे को, यहाँ आने से पहले मेरे को कुछ नहीं आता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को इलेक्ट्रिशियन, सॉरी सर, आप मतलब यहाँ क्या क्या चीज़ सीखने के लिए है? AC, फ्रिज, कूलर, वाटर, RO और ये सीखने के लिए आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट हो चुकी हैं? बिल्कुल सर कंप्लीट। कोई दिक्कत होगी? कुछ भी दिक्कत नहीं है सर। अभी एक महीने तक किसी के साथ काम करने की ज़रूरत है, उसके बाद तो फिर मैं खुद कर सकता हूँ और कर लूँगा। सारी चीज़ें समझ आ गई? बिल्कुल सर। और रूम का कैसा सिस्टम? रूम का सर बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, मतलब रहा यहाँ का जो रूम व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था उपलब्ध है। कुछ लोग डर रहे हैं कि आने के लिए कि सर कैसा नहीं, सर नहीं, वो डर रहे हैं, वो अपने आप को पीछे खिसका रहे हैं, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर रहे वो अपने आप को पीछे खिसका रहे हैं, आना चाहिए, सीखना चाहिए ताकि लाइफ में कुछ आगे कर सकें। यहाँ पे आने के बाद कोई दिक्कत उक्कत हो तो? बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो कर सकते हैं? बिल्कुल सर। ठीक है, ये देखिए पहले बता दें कि ये थोड़ा सा पुराने स्टूडेंट है जो कि ये सारी चीज़ों को सीख रहे थे और इनका भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे कुछ नए लोग दिख रहे ना, वो सब केसी के लिए सीख रहे हैं, केसी का कोर्स करने के लिए फिर पैदा हो गया। फिलहाल आप बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम सन्नी सैनी है, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शामली विलेज गोसगढ़। सर मैं यहाँ पे आया था, ये सोच कर आया था कि मैं 3 महीना मुझे लगभग लग जाएंगे, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रोसेस देखा, प्रैक्टिकल सर के प्रैक्टिकल कराने के बाद भी, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार कराने के बाद भी मैं, मतलब उसके बाद भी मैंने जैसे प्रैक्टिकल किया, मेरा सब कुछ 1 महीने में लगभग कम्प्लीट हो चुका। और इसका कम्प्लीट होने का सीधा सीधा यही कारण है सर कि मतलब मैंने प्रैक्टिकल इतना किया, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं थी, कितना भी प्रैक्टिकल करो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, मतलब प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा हुआ तभी मैं ये चीज़ें कवर कर पाया सर 1 महीने के अंदर। उसमें रेफ्रिजरेशन आ गया सर, एयर कंडीशनर, हर तरह की इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, हाउस वायरिंग, गीज़र, इलेक्ट्रॉनिक गीजर, गैस गीजर, ये सब कुछ, वॉशिंग मशीन सेमी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, तो इन सब को मैं कैसे कवर कर पाया क्योंकि प्रैक्टिकल ही इतना ज़्यादा हुआ कि मैं 1 महीने में, और इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल पा रहा क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने किया 100% और मेरा कोई डाउट नहीं है, मैं फील्ड में डायरेक्ट काम कर सकता हूँ 100% के 100%। और वो यही कारण है क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल इतना ज़बरदस्त करा सर ने यहाँ पे कि मतलब कोई डाउट ही नहीं रहा, फॉल्ट को डिटेक्ट करना एसी के अंदर, विंडो एसी के अंदर फॉल्ट कैसे डिटेक्ट करेंगे, स्प्लिंट एसी के अंदर, इन्वर्टर एसी के अंदर कैसे फॉल्ट को डिटेक्ट करना, जब ये चीज़ें पूरी तरह से प्रैक्टिकल से क्लियर होगी तभी कॉन्फिडेंस बन पाया और कोई डाउट नहीं है सर 100% फील्ड में जाकर काम कर सकता हूँ। मेरे को अभी आए हुए लगभग 8 से 9 दिन हो गए हैं और मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं यूपी के बहराइच ज़िले से हूँ और मेरे को आते हुए अभी 8-9 दिन हो चुके हैं और मैं स्प्लिट एसी और इन्वर्टर एसी जो है उसको मैं बनाने का सीख चुका हूँ लगभग, और बाकी चीज़ें आगे मैं सीखूँगा, वायरिंग भी मतलब मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं भी सोचा था कि घर पे आने के बाद मैं सोचा था कि मैं 2 महीना रुकूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मुझे 2 महीना रुकना पड़ेगा क्योंकि 1 महीने 15 दिन में वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा या 45 दिनों में, 1.5 महीने में हमको लग रहा है कि मतलब हो जाएगा। नहीं हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं, जैसे सर ने बोला था कि 2000 रुपये में जैसे रूम के बर्तन है और LPG गैस सिलेंडर है वो सारी चीज़ व्यवस्था है, मतलब जो सर जी वीडियो में बोले थे वो सारे व्यवस्था है यहाँ पे अवेलेबल है। कोई दिक्कत
नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, काम प्रैक्टिकली मैं सीख पा रहा हूँ और थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों हो रहा है। एक चीज़ आप बता दीजिए कि मतलब हम पहले करते थे कहीं पे काम जो ना। हाँ एक बात बताना चाहूँगा, मैं ITI में मेरा एडमिशन हुआ था, मैं 4-5 महीने लगभग ITI कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक यही नहीं पता था कि AC कितने प्रकार की होती हैं। लेकिन सर का मैं YouTube से वीडियो देखा कि AC कितने प्रकार की होती है, तो उसमें बताया, मैं वही वीडियो देख के मैं चलाया, यहाँ आके मैंने सारा चीज़ सीख चुका हूँ लगभग। अभी बाकी चीज़ बाकी, AC सीख चुका हूँ, स्प्लिट AC और विंडो AC लगभग सीख चुका हूँ, और बाकी चीज़ अभी बाकी है। हाँ अभी स्प्लिट मेरा कंप्लीट हो गया, विंडो में थोड़ा बहुत जानता हूँ, गैस चार्जिंग वर्जिंग लीकेज चेक करना सारी चीज़ मतलब मैं कर लूँगा। हाँ मेरा अभी होगा, वायरिंग मेरा क्लियर है, हाँ वायरिंग और AC का कंप्लीट हो चुका है। हेलो सर, मेरा नाम राजीव कुमार यादव है, मैं सिवान जिला से हूँ, बिहार से, और मैं यहाँ पर AC का कोर्स करने आया हूँ और कंप्लीट मेरा हो चुका है, वो लमसम 15 दिन में मेरा AC का कंप्लीट हो चुका है। यस 15 दिन। यस यस जहाँ पर मैं काम कर रहा था वहाँ पर कुछ अच्छा नॉलेज नहीं दिया जा रहा था, और मैं वहाँ पर कुछ जैसे टूल्स का नाम है वो मुझे पता नहीं था कि क्या कौन सा टूल्स है, और मैं यहाँ पर आया तो मुझे सब कुछ सब टूल्स का नाम याद है, और मैं लगता है कि मैं फील्ड में काम कर सकता हूँ। हाँ हाँ सब टोटल, हाँ हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ हॉस्टल का कोई नहीं आती है, उस कोई प्रॉब्लम नहीं है हॉस्टल में, हॉस्टल में जो सर बोले हैं वीडियो में वो सब फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पर। हेलो सर, जैसे कि मैं बिहार से सिवान जिला से हूँ, और मैं AC का कोर्स करने के लिए यहाँ पर आया था, और मैं इससे पहले फील्ड में गया था तो वहाँ पे टूल्स वोल्स का नाम मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का निर्णय लिया, और यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया गया, और प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरिकल दोनों मिली, और यहाँ से जाने के बाद एक मंथ किसी के साथ रह कर उसके बाद काम कर सकते हैं। मतलब सर ये समझ आ गई सी थोड़ा सा हाथ साफ करना। हाँ सर हाथ साफ करना। हाँ सर हाँ सर तो समझ आई गई। यस सर अकेले भी हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब हम खुद ही कहते हैं कि आप मेरे के साथ रह लीजिए, हाँ थोड़ा कस्टमर से बात थोड़ा हाथ हो साफ हो जाए, इसलिए। और हॉस्टल वोस्टल सब सुविधा अच्छी है सर। ठीक है ओके सर। हेलो सर, मेरा नाम करण कुमार है, मैं बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूं, और मैं यहां सिर्फ AC का कोर्स करने के लिए आया था। AC में मुझे सारी जो भी चीज़ें हैं वो मैं सारा चीज़ें सीख चुका हूं, और मैं फील्ड में जाकर काम करना चाहता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस के लिए किसी के साथ 1 महीने काम करेंगे, ऐसे मेरे को जो भी प्रोसेस है सारा पता है, मैं कर सकता हूं। सारी प्रोसेस पता है? हाँ सारी प्रोसेस पता है, हाँ वो कर लेंगे थोड़ी सी परेशान, हाँ एक्सपीरियंस के लिए करना पड़ेगा। हॉस्टल वगैरह जो भी है सर उसकी व्यवस्था बहुत सही है, कोई दिक्कत रहने वाले में नहीं है, सारी चीज़ें हमारी यहाँ सही है। हेलो सर, मेरा नाम राम कुमार है, मैं तुलापुर डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से हूँ। सर मैं यहाँ पे AC, फ्रीज, कूलर, RO, गीजर, डीप फ्रीजर का कोर्स करने आया था मैं। सर मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है सर, मैं काम कर सकता हूँ सर फील्ड में। मतलब आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो चुकी है ना? जी सर। आप उस वाले भी वीडियो में थे जो कि हमने बनाया था, उसमें आप और दोनों लोग थे। हाँ सर। पुराने लड़के हैं और ये सब आते देखने के लिए सारी चीज़ों की इतना टाइम पास लग गया था, लगा तब 1.5 महीना लगा इन लोगों का। हाँ सर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। जी सर तो कोई दिक्कत नहीं हुई नहीं सर
सब चीज़ समझ में आ गई जो भी चीज़ें आपकी हैं जी। अच्छा हॉस्टल वगैरह में दिक्कत? सर हॉस्टल में A1 की व्यवस्था है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। जी सर नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सर मैं सर यहाँ से निकलने वाला हूँ, तो सर मैं कुछ मन की बात मन में मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लड़के इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ का सजेस्ट करूँगा, डायरेक्टली फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने के बाद में, वो आपके सामने मैं मतलब सच्चे मन से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ चीज़ को। एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको बताना चाह रहा कि अगर इस फील्ड में जो भी लड़के आने वाले हैं, आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, वे मैं ये नहीं कह रहा कि करीम इंस्टीट्यूट आइए, लेकिन जो मैं अपनी बता रहा हूँ अपने दिल से, यहाँ पर आने के बाद में जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा प्रैक्टिकल से, जैसा कि मैं पहले कुछ फील्ड में 1 महीने मैंने काम किया था फ्रिज का, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आई आने के बाद में कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा फॉल्ट को पकड़ना फ्रिज के लिए। और जो एसी है सर, एसी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था कि आउटडोर या इनडोर भी किस तरह, ये भी मैं नहीं जानता था, लेकिन एसी का कॉन्फिडेंस उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा जैसा फॉल्ट डिटेक्ट करना यू करना। तो मेरा मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे, वो मन में ये शंका ना रखे बिल्कुल भी कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल इस क्रीम टेक्निकल माइंड से ज़्यादा कहीं हो नहीं सकता। मैं 3 जगह डैमेज दे चुका और जा चुका हूँ सर, मैंने उनसे सर एक क्वेश्चन पुटअप करा था, मैं डायरेक्टली नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन हाँ लेकिन मैंने उनसे एक क्वेश्चन पुटअप करा था जिसकी क्लास बंद होने के बाद में, अगर मैं चाह रहा कि प्रैक्टिकल दोबारा करना चाह रहा हूँ उस चीज़ का, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। और लेकिन सर मैंने यहाँ पे क्लास टाइमिंग ख़त्म होने के बाद भी मैंने 3-3 घंटे यहाँ पे प्रैक्टिकल किया, जो भी मैंने प्रैक्टिकल किसी भी तरह का प्रैक्टिकल मैंने करना चाहा, वो सर किसी ने कुछ भी मुझे मतलब मना नहीं की और प्रैक्टिकल मेरा साथ दिया, एक्स्ट्रा तक क्लास मेरी ली, और मतलब कोई डाउट नहीं है और मैं 100% काम कर सकता हूँ फील्ड में, कॉन्फिडेंस ऐसा है क्योंकि किसी भी फॉल्ट को एकदम आसानी से पकड़ सकता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो क्रीम टेक्निकल माइंड में आए, 100% प्रैक्टिकल मिलेगा, कोई डाउट रहने का कोई सवाल ही नहीं है रहने का, आ सकते हैं। इस तरह की मन में से शंका निकाल दें प्रैक्टिकल के प्रति और स्टूडेंट के और इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्योंकि सर का भी फोर्स सर की भी फोर्स इसी चीज़ पे है ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल मिलेगा तभी वे फील्ड में जाकर काम कर पाऊँगे, इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहता है सर का खुद में कि प्रैक्टिकल करो अच्छे से। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि सारे बच्चे यहाँ पे हैं और सभी जाने वाले भी हैं, और काफ़ी दिनों से भी कुछ लोग थे और कुछ लोग 15-20 दिन के लिए आए थे एसी के काम से सीखने के लिए। तो इन सारे लोगों का कंप्लीट हो चुका है और इनके मुंह से आपने सुन लिया कि क्या है इंस्टीट्यूट की हकीकत। देखिए हम भी एक टेक्नीशियन हैं, स्टार्टिंग फील्ड में काम करते थे, तो पता है कि अगर बिना प्रैक्टिकल के आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं ऑनलाइन सर सिखा दें, तो ऑनलाइन तो ठीक है लेकिन बिना अपने हाथ से किए कुछ समझ ही नहीं पाएंगे अपना। और जो लोग टाइम अपनी बर्बाद कर रहे हैं इधर उधर ना, मतलब कि हेल्पर बन के इधर उधर रह रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा अगर आप 1 महीने 2 महीने के लिए अगर यहाँ पे आ जाते हैं फिर जाके उसी मैकेनिक के पास जाते हैं, तो आप 1 महीने में ही पूरा ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि आपको सारे प्रोसेस पता हो चुके होंगे किस तरीके से यहाँ पे हमें काम करना है, कैसे गैस चार्ज करना है, क्या करना है, सिर्फ देखना रहेगा एक बार कि मतलब किसी फॉल्ट को पकड़ा क्या है, तो सब चीज़ें यहीं बता दी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा अगर 1-2 महीने के लिए चले जाएंगे फील्ड में किसी के साथ, तो आप अच्छी तरीके से नॉलेज को ले लेंगे 100% तरीके से। तो यहाँ पे आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होगा या फिर सही तरीके से सिखाया नहीं जाएगा या फिर जा करके वहाँ पे हॉस्टल में कुछ दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्टल भी इसी इंस्टीट्यूट के ऊपर मतलब 2nd फ्लोर पे है, कहीं दूर भी नहीं है, और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको दे दी जाएगी, बर्तन गैस रूम बिस्तर सारी चीज़ मिल जाएगी, जिससे कि सिर्फ आपको खाना लेके आना है, बनाना है, खाना है। और चार्जेस भी हॉस्टल के बहुत कम है, मतलब कि 2,000 रुपये 1 महीने का आपको देना पड़ेगा, जिसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो जिन लोगों को भी आना है, अभी 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है, वो आएँ आ करके यहाँ पे काम को अच्छी तरीके से सीख के फील्ड में जाएँ और अच्छी तरीके से अपना काम करें। एक चीज़ आप लोगों को और बता देंगे, कुछ लोग पूछते हैं कि सर सर्टिफिकेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट देख लीजिए आप लोग, सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट है, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगी। वो सर्टिफिकेट ऐसी रहेगी कि कोई भी एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता इस चीज़ को, और ये नेट पर भी शो करेगी अच्छी तरीके से, मतलब कि पूरी तरीके से ओरिजिनल, इसमें कोई फेक फाक वाला सिस्टम नहीं है, जो भी है एकदम ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो भी बातें बताई जाती है वो सब एकदम जो भी बोला जाएगा यहाँ पे वही चीज़ किया भी जाता है, तो नेट पे भी शो करेगा। अभी बच्चों को दिखाना भी है कि किस तरीके से साइट पे जाके चेक करेंगे, तो इनको बताएंगे अभी, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे समझेंगे कि किस तरीके से नेट पे ये शो करेगा कैसे नहीं करेगा प्रैक्टिकली।
तो आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दी जाएगी और उसका मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट रहेगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।